हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल गेमिंग यूट्यूब चैनल में। तो गाइस लास्ट वीडियो में आप सभी ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया है एंड ऑलमोस्ट अब मेरे को सिर्फ 50 सब्सक्राइबर्स चाहिए 1500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अपनी पहली यूजर गाइस क्राफ्टन को लेकर। तो गाइस क्राफ्टन ने BGMI e-sports के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है अपनी यूजर गाइस 420 को लेकर। तो गाइस 420 ने यह बताया कि स्ट्रीमर बैटल के लिए उनको इन्विटेशन नहीं मिला है टीम आरओ को अपनी यूजर गाइस मावी को लेकर। मावी ने अपनी यूट्यूब इनकम को रिवील किया और मावी ने यह बताया कि मंथली उनकी एवरेज अर्निंग 60 से लेके 80K के बीच में हो जाती है अपनी ये अग्रिजर गाइस रौनक को लेके। तो गाइस रौनक ने इंस्टाग्राम पे फनेटिक नीमो का एक पोस्ट शेयर किया जिसमें यह लिखा था कि कम बैक विद ओल्ड टीम और न्यू गेम। एंड मैंने आपको पहले भी लीक दी थी कि जो रौनक है वो फनेटिक को ज्वाइन करने वाले हैं एंड यहां से आज कंफर्म हो गया कि जो रौनक है वो अपन को वापस फनेटिक ज्वाइन करते हुए देखने को मिलेंगे अपनी अग्रिजर गाइस माजिक को लेके। तो गाइस आप में से बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट है कि TSM की लाइनअप को क्यों डिसबैंड किया गया एंड क्यों ST8 को साइन किया गया। तो गाइस अगर आपको अभी भी नहीं पता तो माजिक ने एकदम क्लियर तरीके से एक्सप्लेन किया है तो वो क्लिप आप देख लीजिए भाई। TSM वालों ने एंटिटी को रिलीज करके ST8 जैसी टीम क्यों ली? देखो आर्यन भाई, मैं आपको समझाता हूँ क्यों ली। जोनाथन की आस्किंग सैलरी होगी ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख, ठीक है, और पूरी TSM टीम की सैलरी होगी ऑलमोस्ट 11 to 12 लाख, ठीक है। 11 to 12 लाख है अगर वो जोनाथन की टीम पे स्पेंड करे तो, ठीक है। उनका लेवल बहुत ऊपर है मैं समझता हूँ, बट देर उधर 9 महीने का एक बैन पीरियड आ गया है, उसके बाद TSM अगर 10 से 12 लाख एक टीम पे इन्वेस्ट करे, उनकी परफॉर्मेंस बैन के बाद कैसी जाएगी किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। वी नो अच्छी जाएगी बट वो एक ऑग है, उनको फाइनेंशियली खुद को देखना पड़ेगा। और ST8 को कितने मिल रहे होंगे? 2 लाख 3 लाख 3.5 मैक्स, ठीक है, पूरी टीम के 3.5 और एक साइड पूरे टीम के 12 लाख। अगर 6 महीने का ट्रायल भी रखो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली 6 महीने का ही होगा, तो 12 लाख के हिसाब से वो कितना जाता है? 1 करोड़ तक चला जाएगा 6 महीने का, और भी चीज़ें बहुत होती है बीच में। और इनका कितना जाएगा? 20 लाख 25 लाख मैक्स। तो 1/4 पैसों में अगर वो एक अंडरडॉग टीम को ट्राई दे रहे तो उसमें कुछ गलत नहीं है भाई, वो फाइनेंशियली बहुत अच्छी मूव है। और TSM के पास हर टूर्नामेंट का इनवाइट तो है ही, तुम भी समझो ये चीज़ अपनी अग्रिजुगल टीम सोल की लाइनअप को लेके। तो गाइस फाइनली ऑफिशियल टीम सोल की लाइनअप की अनाउंसमेंट हो गई है एंड जो अपन सभी को लाइनअप पता ही थी वही लाइनअप की अनाउंसमेंट हुई है, जैसे कि मॉर्टल, वाइपर, रेगल्टॉस, मावी एंड स्काउट। एंड गाइस जब सोल की लाइनअप की अनाउंसमेंट थी तो मॉर्टल लाइव थे एंड मॉर्टल ने भी अपना रिएक्शन दिया था। मॉर्टल का क्या कुछ रिएक्शन था वो आप देख सकते हो। रेगा वेगा बोल रहा है, इतना डेंजर अनाउंसमेंट दिया है, गेम प्ले भी वैसा ही होना पड़ेगा ना भाई। अरे मावी आया क्या? आदि वेल डन। गॉड आदित्य एंड जो कर रहे थे सब लोग, आदित्य ओपी इन द चैट कर दो, ऑफ द रेगा ओपी कर दिया, कर दो ओपी कर दो, चलेगा भाई। और आदि वेल डन। अरे मॉडल मॉडल मेरे को वेलकम टू सोल कर रहा है आदि, इधर खड़ा हो गया आराम ही। ओए ओए मॉडल, हां एक बंदे से वेट नहीं हो रहा था क्या? पहले ही चोक कर दिया था मतलब। अरे हां वो, अबे बोल मैं बताता हूं ना, मावी सुन, हां मेरी वो 20,000 की वॉचिंग आएगी लोगों पे, मैं तो नेक्स्ट टीम ही रिवील कर दूंगा। ठीक है भाई, अच्छा वो स्काउट वो करना पड़ता है वो फिर बोल एमएल क्या बोला था उसने, मैं 10,000 क्या मैं नहीं लोगों पे, अरे उसने की वॉचिंग आएगी तो ऑनलाइन में रिवील कर भाई भाई स्काउट वॉचिंग करना भाई। अभी मॉडल देख ले, बाकी तेरे ऊपर मेरा तो क्या ही है। और कल का कोई प्लान है क्या अभी? हाँ क्या, कौन सा प्लान? देख लो अबे, तुम लोग बूट कैंप आओ तो बे, अब साला जल्दी आओ भाई। एक चीज अभी बोल रहे हैं हम, ठीक है, मैं पूरा परमिशन दे रहा हूँ, यहाँ पे भले स्काउट 1,00,000 करोड़ रुपए कमा रहा हो या मेरे 1,00,000 करोड़ सब्सक्राइबर हो या रेगा के पीछे 1,00,000 करोड़ लड़कियां हो या वाइपर 1,00,000 करोड़ फ्राइज खाता हो, ठीक है, या तू या तेरे 1 हफ्ते में 1,00,000 करोड़ सब्सक्राइबर बढ़े हैं, सब इक्वल है स्पोर्ट में, सबको भर सकता हूं मैं, सबको भर सकता हूं, मेरे को भी भर सकता है, मैं आगा मैं भरा जाऊंगा। फास्टर नंबर दैट इज हाउ ईस्पोर्ट हैज टू बी। हेलो जी, अपने को भरेगा, अपन भरेंगे इनको, ठीक है। क्या वाला पॉइंट अपनी रिजल्ट गाइस TSM के एक्स प्लेयर्स वर्सेस जेड को लेके। तो कल की वीडियो में मैंने आप सभी को अपडेट दिया था कि इन सभी के बीच में कुछ मैटर हुआ है ऐसा लग रहा है, क्योंकि गाइस TSM जेड ने सभी प्लेयर्स को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया था। एंड गाइस आज जब मैंने चेकआउट किया तो मेरे को देखने को मिला कि जो TSM के एक्स प्लेयर्स है लाइक जोनाथन क्लसगर और नियो, इन्होंने भी अनफॉलो कर दिया जेड को, लेकिन घातक ने अभी भी अनफॉलो नहीं किया है। गाइस मैटर तो नहीं पता कि इनके बीच में क्या
क्या हुआ है, अगर आपको कुछ भी पता है, आपको क्या लगता है, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर मेरे को कोई भी अपडेट मिलेगी इससे रिलेटेड, वो मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगा। अपनी गाइस गोल्डी भाई को लेके, तो गाइस गोल्डी भाई ने रिएक्ट किया एक्स टीएसएम के प्लेयर्स के ऊपर, तो गोल्डी भाई ने क्या कुछ बोला वो आप खुद ही देख लीजिए। शिट भाई के साथ सब शॉर्ट हो गया, खराब हुआ कब था? खराब कब हुआ था जो शॉर्ट हो गया? ऐसा बात बोल रहे हो? कभी सुना है सिड को मुझे गाली देते हुए, मुझे सिड को गाली देते हुए, या मेरे को किसी के बारे में बुरा बोलते हुए, या किसी को मेरे बारे में बुरा बोलते हुए, चाहे सिड हो चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड, किसी के मुंह से सुना है? चैट यस और नो, सुना है कि कोई हम कुछ गलत बोल रहे हैं, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ सिड के लिए, या एक्स वाई जेड सपोज घातक, या किसी के बारे में भी, या उनके मुँह से सुना है वो मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं? नहीं सुना ना, तो सॉर्ट आउट क्या होगा, सब सही था? बीजेमआई को लेके, तो गाइस बहुत जल्द बीजेमआई की लैंड टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट अपन को देखने को मिलने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली जो अनाउंसमेंट है वो स्ट्रीमर बैटल जैसे ही ओवर हो जाएगा जब भी अपन को देखने को मिलेगी। अपनी अग्रीजो गाइस घातक को लेके, तो गाइस घातक ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली और उन्होंने ये बताया कि जो अंडरडॉग्स के लिए वो टूर्नामेंट लेके आने वाले हैं वो रेडी है, बस वो वेट कर रहे हैं बीजेमआई आयुष डिवाइसेस के अंदर लॉन्च होने का। एंड उन्होंने ये बोला कि इस टूर्नामेंट के अंदर कोई भी टीम हैक यूज नहीं कर पाएगी, क्योंकि उन्होंने सब कुछ प्लान कर रखा कि कैसे टूर्नामेंट होगा एंड कैसे हैकिंग को रोका जाए। अपनी अग्रीजो गाइस आईटी प्रिंस को लेके, तो गाइस आईटी प्रिंस ने ये बताया कि आईओएस के अंदर गेम डिले होने वाला है, एंड आईटी प्रिंस ने क्या कुछ बोला वो आप खुद ही देख लीजिए। गाइस आईओएस डेट तो लेट होगा बहुत, आईओएस डेट का ऑनेस्टली मुझे पता नहीं है, पर जहां तक मैंने थोड़ा बहुत जो सुना है वो सुन के मुझे ये लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट 10-15 दिन तो ऊपर 10 दिन तो लेगा, समथिंग 5-10 दिन पता नहीं। अपनी अग्रीजो गाइस मॉर्टल को लेके, तो गाइस मॉर्टल ने स्ट्रीम पे कंफर्म किया कि वो कॉम्पिटिटिव खेलने वाले हैं। अपनी अग्रीजो गाइस स्ट्रीमर बैटल को लेके, तो स्ट्रीमर बैटल के अंदर टोटल अपन को 18 टीम्स खेलते हुए देखने को मिलेगी। गाइस इस टूर्नामेंट के अंदर अपन को आफ्टर सो लॉन्ग टाइम अपन को वीकेंडी भी मैच खेलते हुए देखने को मिलेंगे प्लेयर्स। अपनी अग्रीजो गाइस वो भी स्ट्रीमर बैटल को ही लेके, तो गाइस स्ट्रीमर बैटल में जो जो टीम्स खेलने वाली है उन सभी टीम्स के अंदर जो जो प्लेयर्स खेलने वाले हैं उन सभी के नाम आप मेरे वॉइस स्क्रीन पर भी देख ही सकते हो, जैसे कि टीम मॉर्टल में मॉर्टल स्काउट मावी रेगल्टोस एंड वाइपर खेलते हुए देखने को मिलेंगे, टीम घातक में खेलने वाले वो आप सभी इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो यही थी आज के लिए कुछ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी न्यूज में, उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर डेली गेमिंग न्यूज एंड अपडेट्स। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, टिल देन स्प्रेड पॉजिटिविटी।